तो बाबा साकार हरि ने पाखंड की ऐसी कहानी बुनी थी कि भोले भाले भक्त आस्था की लकीर को पार करके अंधविश्वास की गहरी खाई में जा गिरे। खुद को भगवान बताकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाला साकार हरि कैसे लोगों को अपने पाखंड के जाल में फंसाया, इस रिपोर्ट में देखिए। उनके वचनों से आदमी को फायदा होता है। हम समझ रहे हैं इसमें कोई बात है, कोई मतलब साजिश साजिश हुई है। हाँ, कोई बात नहीं है तो यानी आदमी इतना भागा क्यों, इतना डरा क्यों जी? वो हमारे इष्टदेव हैं और हमें मानवता भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। यह सब कुदरत की महिमा ऊपर वाले, हमें तो पूरा साजिश साजिश का वो है, किसी का साजिश की गई तब ऐसी भगदड़ मची है। पाखंडी बाबा सूरजपाल उर्फ साकार हरि ने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया था कि लोग उसे भगवान समझ बैठे थे। साकार हरि दावा करता था कि वो असली का भगवान है, वो ही भगवान विष्णु का अवतार है और लोग सिर्फ उसकी ही पूजा करें। खुद को नारायण हरि बताने वाले साकार हरि का दावा था कि वो विष मिटाने के लिए प्रकट हुआ है और चाहे तो वो प्रलय ला सकता है। साकार हरि अपने वचनों में अजीबोगरीब बातें भी करता था। लोगों को भ्रम में रखने के लिए उसका दावा था कि जो लोग फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं वो उनको कोढ़ी बनाकर उनका पतन कर देगा। अपने आप को भगवान बताने के लिए ना सिर्फ साकार हरि अलग अलग दावे करता था बल्कि इसके लिए वो तकनीक का सहारा भी लेता था। लोगों को वो किस तरह बेवकूफ बनाता था इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तकनीक के जरिए वो अपने हाथ में एक चक्र चलाता दिखाई दिया। इस दौरान साकार हरि ने दावा किया कि वो भगवान कृष्ण है। जी मीडिया की टीम जब कासगंज में साकार हरि के गांव पहुंची तो वहां मौजूद उसकी बहन ने भी ये दावा किया कि कुछ साल पहले सूरजपाल को सिद्धि मिली थी जिसके बाद से वो उंगली पर चक्र घुमाते थे और इसे उन्होंने भी कई बार देखा। तो कुछ तो चमत्कार देखे होंगे, जैसे क्या करते थे कुछ थोड़ा बता दीजिए जो भी आपने देखा हो। चमत्कार में चक्का चला चलतो उंगली से चक्का चलतो। साकार हरि ने पाखंड के कई और भी रूप दिखाए। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने कई ऐसी तस्वीरें भी बनवाई थी जिससे लोग उसकी पूजा करें। एक तस्वीर में वो विष्णु अवतार में शेषनाग के ऊपर बैठा आशीर्वाद देता दिखाई दिया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में उसने अपने आप को सूरज दिखाया। ब्रह्मांड के बीच सूरज के ऊपर अपना चेहरा लगाए बाबा इस तस्वीर के जरिए ये दावा करता दिखा कि वो ही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है। वहीं कम पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में ऐसा डूबे कि वो साकार हरि को भगवान मानने लगे। इन तस्वीरों को घरों में लगाकर उसकी पूजा करने लगे। ज्यादातर आसपास के इलाकों में बसे गांवों के लोग बाबा की अंधी भक्ति में डूबे नजर आए। परमात्मा परमात्मा तो हम लोग भगवान को कहते हैं हमेशा, ये तो इंसान है, ये तो इंसान है जो इनके ऊपर प्रकट हुए हैं, ठीक है, वो भगवान है। इंसान को नहीं हो सकते, लेकिन परम सत्ता अथॉरिटी सुप्रीमो पावर, इंसान किसी को बदल नहीं सकते कभी भी, परम सत्ता ही बदल सकते हैं ओनली। तो ये परम सत्ता है, परम सत्ता हमारे लिए तो परम सत्ता है भैया। अंधविश्वास की हद तो ये भी थी कि साकार हरि के भक्त मंदिर नहीं जाते थे क्योंकि बाबा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। वहीं जिन लोगों की हादसे में मौत हुई उसे साकार हरि के भक्तों ने परमात्मा की इच्छा बताया। हरी के अलावा कोई नहीं जान सकता है कि अगली सांस आए या ना आए। लोगों पर अंधविश्वास इस कदर हावी था कि वो डॉक्टर के पास इलाज कराने भी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें सूरजपाल के चमत्कार पर विश्वास था। अपने इन्हीं हरि परमात्मा से कहा कि परमात्मा अगर या अगर आप परमात्मा हो तो मुझे इस परेशानी से दूर करो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो वो डिलीवरी नॉर्मल और घर पे ही आएगी, आज दोनों जिंदा हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी मिले जो हर महीने एक हफ्ते तक आश्रम में रहते थे और अपनी बीमारी को दूर होने का दावा भी किया।
हरी तकलीफ में अपनी में आने तो हो जाती है, फायदा हो जाती है। क्या फायदा हुआ है? हो जाती है हरी तकलीफ बीमारी में कुछ में। क्या क्या बीमारियां दूर हुई हैं? ये अपने वैसे ताप बुखार हो जाते हैं ऐसे। पाखंडी सरकार हरी का दावा था कि वो भगवान है, वो ही असली सदगुरु है और फर्जी गुरुओं का वो नाश कर देगा। वही साकार हरि के भक्त भी इस कदर अंधविश्वास में डूबे थे कि उसकी हर बात को वो आंख बंद करके मानते थे। बाबा ने कहा कि मंदिर मत जाओ तो लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। बाबा ने बीमारी दूर करने का दावा किया तो लोगों ने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। बाबा ने खुद को भगवान बताया तो लोग उसके पैरों पर गिर पड़े। हाथरस में हुए हादसे की सबसे बड़ी वजह भी यही पाखंड और यही अंधविश्वास है जिसके शिकार अंध भक्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार